Before watching this vlog, I just want to mention कि मैं next vlog सोच रहा हूँ कि मतलब video सोच रहा हूँ कि Q&A पे रखूँ. So ask me anything, मैं try करूँगा as raw मैं answer कर पाऊँ. So just want to say this to you guys and watch this vlog. Again, my name is Vid Bakshi and I'm on a mission to inspire you all to take that first step. So day 2, vlog 2. मुझे भी नहीं पता था मैं आज vlog करूंगा, but मुझे ये motivation नहीं जाने देना है. ऐसे तो कितने ही दिन निकल जाएंगे, vlog ही नहीं होगा. So finally we are making vlog. आज मैं और जिग्नेश जा रहे हैं, और कहाँ पे जा रहे हैं वो जिग्नेश को लेके हम जयेश भाई जोरदार तो नहीं देख पाए, पर अभी जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेन देखने, और मैं मोबाइल उसको होल्ड करने के लिए दे रहा हूँ. भाई होल्ड प्लीज. तो स्टोरी कल की बताता है कि कल क्या किया हमने. तो जिग्नेश कल कहाँ खाने गए थे हम? भाई कल हम तंदूरी हट में गए थे. और वो क्या है? वो सोयाबीन का सब सोयाबीन है और हाई प्रोटीन है, और दिल्ली की फ्रेंचाइज है, और काफी सही था. मतलब नया है, नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने को मिला हमने, क्योंकि अभी मैं भी जिम कर रहा हूँ, सब लोग हाई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो अच्छी बात है कि सोया में प्रोटीन हाई होता है. और हमने काफी सही वेराइटी खाई, वो मलाई चाप था राइट, वो काफी बढ़िया था. एंड उसके बाद हम थोड़ा घूमने गए यज्ञेश के साथ, और हम सब घूम रहे थे बाहर रात को. एंड अभी ये काफी लेट प्लान हुआ है, मुझे पता है डॉक्टर स्ट्रेंज कब का यार आ गया है. और हम लोग मार्वल फैन तो है ही, पर बहुत कुछ जैसे मैंने कहा पर्सनल चीजें चल रही थी हम सबकी लाइफ में, तो हो ही नहीं पा रहा था जाने का. बट फाइनली मैंने कहा जिग्नेश को यार ये स्किप नहीं करना है यार. इफ एनी मार्वल फैंस आर वॉचिंग, आपको पता है कि ये मिस करना मतलब सजाए मौत. कमेंट डाउन बिलो गाइस कि कौन है मार्वल फैन यहाँ पे, एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन बिलो आपके थॉट्स, ताकि ये भूला सा मासूम सा चेहरा औरों के फीड में भी जाए. एंड मूविंग फॉरवर्ड, अभी दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम सिनेमैक्स नियर बाय में ही है गांधीनगर में वहाँ पे देखें, या फिर मोटेरा जाए जो कि है चांदखेड़ा में, जो पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया कि चांदखेड़ा कहाँ पे है. एंड थैंक यू सो मच जिग्नेश फॉर होल्डिंग दिस फोन सो स्टेबल. तो हम लोग जा रहे हैं चांदखेड़ा, क्योंकि भाई वाइब इम्पोर्टेंट है, और 3D में देख रहे हैं तो फिर पैसे दे ही रहे हैं, तो फिर प्रॉपर 3D चाहिए भाई. तो मैंने जिग्नेश को बोला यार पानी की बॉटल लेते हैं, क्योंकि एज यू नो यहाँ पे बहुत ही गर्मी है भाई, रिस्की है बाहर निकलना. जब हम निकलेंगे बाहर 2 बजे या 1 बजे, वो रिस्की है निकलना. तो मैंने कहा पानी की 2 बॉटल ले लेते हैं एंड चलते हैं एंड एंजॉय करते हैं ये मूवी. सो मैं आपको वहाँ के सिनेमेटिक्स दिखाऊंगा. रिव्यू व्लॉग नहीं कह सकते, क्योंकि अभी रिव्यू देके कोई मतलब नहीं है, अभी काफी लेट हो चुके हैं हम भी. बट एंजॉय करेंगे मूवी को, एंजॉय करेंगे आज के दिन को, एंड आई होप आप भी वाइब कर रहे होंगे आज के दिन में. एंड फील सो ग्रेट टू बी इन प्रेजेंट, जैसे मैंने लास्ट के व्लॉग में कहा था. एंड अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे तो जाइए एंड देखिए प्लीज. अभी मैं ड्राइव करता हूँ, जल्दी से पहुंचते हैं, ऑलरेडी हर बार की तरह लेट हो चुके हैं. 10:34 है एंड 10:40 का शो है. सो जिग्नेश प्लीज कट इट आउट. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. बज रहे हैं 1:24, वाह 1:00 फिर से मिक्स हो गया अभी. आप समझ ही गए होंगे. एंड मूवी देख के हम वापस से बाहर आ गए हैं, एंड एवरेज लगा, क्या बोलते हो जिग्नेश? एवरेज लगा, शायद से हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी या हाइप ज्यादा हो गया है मूवी, पता नहीं क्या था. कुछ सीन्स थे जो काफी बढ़िया थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि काफी सही सीन्स थे, लाइक VFX वाइज, स्टोरी वाइज, स्पिरिचुअली डायलॉग वाइज काफी बेटर थे. बट मार्वल फैंस मार मत देना मुझे हम लोगों को, बट अभी लगा एवरेज लगा. एंड इतना ओ मूवमेंट नहीं था, हाँ ओ मूवमेंट कम थे, क्योंकि स्पाइडरमैन भी बेहतर था यार. स्पाइडरमैन भी काफी लेवल पे था, शायद से इसीलिए एक्साइटमेंट नहीं था इस बार. बट
कुछ सीन्स थे जिसमें मजा आया है तो टोटली वर्थ इट है यार। एंड एक सीन हो गया जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मतलब कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने डाइट पेप्सी लिया था एंड जिग्नेस का मतलब उसने शेक करके नहीं दिया था, फिर भी वो ओवरफ्लो ही हुए जा रहा था, सोडा कम ही नहीं हो रहा था। फिर वो जिग्नेस अंधेरे में देख रहा था तो उसको पता चला नीचे पूरा बर्फ था। वो सीन काफी सही, वो पेप्सी नहीं वो बर्फ ही था, बर्फ ही था, मतलब वो फ्रीजर में पूरा फ्रीज हो चुका था। मेरा वाला सही था, इसका वाला पता नहीं क्यों फ्रीज हो चुका था, तो उसने एक्सचेंज करवा के लिया। पर वो मूवी देख रहा है और ये बंद ही नहीं हो रहा, ये इरप्ट होते ही जा रहा है भाई। वो मतलब वो हमने काफी एंजॉय किया, हमारी लाइफ की जैसे हो गया था, रुक ही नहीं रहा है भाई, उसे रुकना ही नहीं है, उसे रुकना बस बहना है। तू पेप्सी है पर डाइट वाला, बह तू। ये कॉन्टेक्स्ट इसको समझ आया ठीक है, बाकी फीचर्स देखो। सो दैट्स इट फॉर द डे, टाइम पे खत्म हुआ है, 1:25 है तो अभी पहुंच जाएंगे एंड काफी टाइम पे खत्म हुआ है। एंड आई होप यू लाइक दिस स्मॉल व्लॉग, जो भी रिव्यू था, मतलब रिव्यू तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जैसे मैंने कहा। और ये बोल रहा है कि कल ही भूलभुलैया देखने चलता है भाई, मैंने बोला डोपामिन सब लोग नहीं, हाथ पर फिर भी कमेंट करो कि जाना चाहिए नहीं। अगर आप कमेंट करोगे आज तो मैं कल देख लूंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसको तो देखना है। मैं बोल रहा हूँ कि डोपामिन जमा तो होने दे फिर रिलीज करूँ ना मैं। अभी यही एक्सपीरियंस हो गया अच्छा मूवी का, तो फिर तो चाहिए ना ये। हाँ रिव्यू चाहिए, रिव्यू चाहिए, कमेंट डाउन बिलो। एंड मिलता है अगले व्लॉग में जल्दी, एंड वी आर एंजॉयिंग दिस, एंड या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, आई होप यू आर गिविंग going through the best phase of life, and yeah, milta hai aur kuch zyada nahi bolunga. I will see you guys in the next video. Until then, take care, believe in yourself, and stay creative. Milta hai jaldi. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd.